नमस्कार स्टडी आई क्यू आई एस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है आज मुद्दे की बात कार्यक्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम लोग बात करने वाले हैं और यह मुद्दा जुड़ा हुआ है आईएनएस विक्रांत के संदर्भ में देखिए आईएनएस विक्रांत जो है भारत का स्वदेशी विमान वाहक पोत है एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसे सितंबर माह में कमीशन देने की बातचीत की जा रही है तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर इस कैरियर की क्या कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं और भारत के विशेष संदर्भ में यहां पर यह जो कैरियर है यह एयरक्राफ्ट कैरियर किस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं और समझते हैं देखिए आई ए सी वन इसे नाम दिया गया है आई ए सी वन यानी कि इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर वन क्या नाम दिया गया है इंडिजीनस इंडिजीनस एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिजीनस का मतलब क्या हुआ इंडीजीनस का मतलब हुआ कि स्वदेशी ठीक है स्वदेशी का मतलब कि अपने ही देश में इसका निर्माण किया गया है और इसकी विशेषता इस रूप में महत्वपूर्ण हो जाती है कि इसे केवल निर्माण ही नहीं किया गया है भारत में बल्कि इसका डिजाइन भी भारत में ही तैयार किया गया है तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि पूर्णतः स्वदेशी निर्मित ये एयरक्राफ्ट कैरियर है और चूंकि पहली बार इस कैरियर को कमीशन दिया जा रहा है इस तरीके से स्वदेशी निर्मित कैरियर को कमीशन दिया जा रहा है इस लिहाज से यह खबर अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है है ना भारत द्वारा डिजाइन और निर्मित किया जाने वाला यह पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है इसका निर्माण किससे किया गया है किस शिपयार्ड लिमिटेड से इसका निर्माण किया गया है तो कोचीन शिप लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया है ठीक है ना ये ध्यान रखना होगा और इसके साथ साथ स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर वाले देशों में अब भारत शामिल हो गया है लग मुश्किल से पाँच से छः ऐसे देश हैं जो कि स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर कंटेन करते हैं उनके पास यह क्षमता मौजूद है और इन देशों की कैटेगरी में अब भारत भी शामिल हो गया है है ना? भारत के पास देखो पहले से भी एयरक्राफ्ट कैरियर रहे हैं ऐसा नहीं है कि भारत के पास कभी भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं रहे हैं लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये जो एयरक्राफ्ट थे एयरक्राफ्ट कैरियर थे ये या तो ब्रिटेन के द्वारा निर्मित थे या फिर रूस के द्वारा निर्मित थे है ना तो इन दो देशों से भारत को एयरक्राफ्ट कैरियर की आपूर्ति होती थी अच्छा यहाँ पर तुम तकनीकी तौर पर यह समझो कि एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब क्या हुआ विमान वाहक पोत के तौर पर जो हम बात कर रहे हैं उसका मतलब यही हुआ कि एक ऐसा जहाज एक ऐसा जहाज जिसमें जिस पर 30 से 35 या फिर कहें 20, 25, 15, 10 इस तरीके से आप विमान को रख सकते हैं एयरक्राफ्ट्स को रख सकते हैं और ये जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो बेसिकली यूज़ किए जाते हैं फाइटर जेट के तौर पर वे फाइटर प्लेन्स जो होते हैं जब भी युद्ध की स्थिति आती है तो फिर उनका इस्तेमाल किया जा सकता है तो इस लिहाज से ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है जहां तक बात है कि ब्रिटेन के द्वारा जो हमें एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से मिला था उसका नाम क्या था उसका नाम उनमें से एक जो था वो था आईएनएस विक्रांत है ना अब आप समझ रहे होंगे कि भाई ये तो आईएनएस विक्रांत यहाँ पर आप बता रहे हैं ब्रिटेन से जो मिला थे, मिला है और यहाँ भी आईएनएस विक्रांत हम बात कर रहे हैं है न तो ये जो आईएनएस विक्रांत है जो अभी बन रहा है जो कि स्वदेश निर्मित है और ये जो आईएनएस विक्रांत है ये अलग है ठीक है जो ब्रिटेन के द्वारा आईएनएस विक्रांत मिला था ये तो स्वदेश निर्मित था नहीं है ना लेकिन इस विक्रांत के याद में इस विक्रांत को महत्व देते हुए ही जो वर्तमान में स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जा रहा है इसे भी यही नाम देने की बात की गई और इस लिहाज से इसे आईएनएस विक्रांत नाम दिया गया जहां तक बात है इस एयरक्राफ्ट कैरियर की इस एयरक्राफ्ट कैरियर ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान में, है ना इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बंगाल की खाड़ी में तैनात कर दिया गया था और उस दौरान भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान में इस एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए बड़े स्तर पर पाकिस्तान को जो है एक जवाब दिया गया था करारा जवाब दिया गया था उस दौरान जहां तक बात है एक और जो रूस के स्तर पर हमें एयरक्राफ्ट कैरियर मिला है वो है आईएनएस विक्रमादित्य है ना आईएनएस विक्रमादित्य ठीक है तो एट प्रेजेंट यदि हम वर्तमान में कहें तो वर्तमान में भारत के पास में एकमात्र जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वह कौन सा है वह है आईएनएस विक्रमादित्य और ब्रिटेन के द्वारा जो आईएनएस विक्रांत मिला था इसके साथ साथ एक और एयरक्राफ्ट कैरियर मिला था आई एन एस विराट है ना आई एन एस विक्रांत और आई एन एस विराट तो ये दोनों जो हैं ये दोनों अब डी कमीशन हो गए हैं अब इनकी सेवा समाप्त हो चुकी है तो एट प्रेजेंट भारत के पास जो एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर है वह रूस के द्वारा जो हमें मिला है वह है आई एन एस विक्रमादित्य और वर्तमान में हम किसकी बात कर रहे हैं तो आई ए सी वन की बात कर रहे हैं जो कि आई एन एस विक्रांत का कह सकते हैं कि एक जो नया संस्करण है ये हमें अब मिल सकता है आगे हम बात करें तो भारत की जो समुद्री क्षमता का विकास है वो इसके जरिए हो सकता है इससे भारत जो है अपनी क्षमता समुद्र में बहुत बड़े लेवल पर दिखा सकता है दर्शा सकता है है ना और इसके साथ साथ यहाँ पर मिग ट्वेंटी नाइन के जो फाइटर प्लेन है या फिर कामो थर्टी वन हेलीकॉप्टर है फिर एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर है फिर एल जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होते हैं वो या फिर जो बाकी एयरक्राफ्ट होते हैं उनका ऑपरेशन आसानी से इस एयरक्राफ्ट कैरियर के माध्यम से किया जा सकता है है ना इसके अलावा रणनीतिक दृष्टिकोण से भी इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है जाहिर सी बात है कि जब भारत के पास में एक ऐसा जहाज होगा एक विशाल काय जहाज होगा जिस पर 30-35 जो फाइटर प्लेन्स हैं वो आसानी से आ सकते हैं रह सकते हैं तो ऐसे में उन उनकी सेवा अच्छे से ली जा सकती है और युद्ध की परिस्थिति में उनका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है और आपको यहाँ पर मैं बता दूँ कि भारत की जो तटीय रेखा है ये तटीय रेखा बहुत ही लंबी है लगभग पचहत्तर किलोमीटर की ये तटीय रेखा है ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है हिंद प्रशांत क्षेत्र के तौर पर आप इसे समझ सकते हैं ये तो हिंद महासागर वाला क्षेत्र हुआ और इधर प्रशांत महासागर वाला इधर जो है प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र हुआ तो ऐसे में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत जो है इस क्षमता का आसानी से बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है तो ये सारी खूबियां यहाँ पर निकल कर सामने आती हैं और इस एयरक्राफ्ट कैरियर के संदर्भ में मैं आपको एक और बताऊं बात कि इसके पास में है ना टेक्नोलॉजी या फिर स्टोबार के तौर पर इसे जाना जा सकता है समझा जा सकता है ये जो तकनीक है ये विक्रांत के पास में मौजूद है अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि आखिर यह तकनीक है क्या इसकी विशेषता क्या है देखो यह जो तकनीक है इस तकनीक का नाम है शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी है ना शॉर्ट टेक ऑफ बट एरेस्टेड रिकवरी इसे नाम दिया जाता है इसका मतलब यह हुआ कि यह शॉर्ट टेक ऑफ कर सकता है कोई भी एयरक्राफ्ट जो है वो इस कैरियर से इस जहाज से शॉर्ट टेक ऑफ कर सकता है बट एरेस्टेड रिकवरी है ना कहने का मतलब यह हुआ दोस्तों कि जो एयरक्राफ्ट है एयरक्राफ्ट को ऊंचाई पर जाने के लिए उड़ान भरने के लिए रनवे की आवश्यकता होती है और जो कैरियर है जो जहाज़ है जहाज़ का रनवे तुलनात्मक रूप से छोटा होता है तो उस लिहाज से यहाँ पर इसकी विशेषता बड़ी हो जाती है कि यह छोटे टेक ऑफ छोटे रनवे में भी टेक ऑफ आसानी से कर सकता है लेकिन जब इसको लैंड करने की आवश्यकता होती है फिर से तो फिर इसका रनवे फिर से छोटा हो जाता है ऐसे में आसानी से ये लैंड कर सके इसके लिए एक ऐसी व्यवस्था की जाती है और अरेस्टेड वायर का इस्तेमाल किया जाता है उस समय ताकि जो एयरक्राफ्ट है जो फाइटर जेट है फाइटर प्लेन है वो आसानी से रनवे पर जो इस कैरियर का रनवे है जो इस जहाज़ का रनवे है उस पर आसानी से उतर सके है ना तो इस लिहाज से इस तकनीक का इस्तेमाल इसमें किया गया है और इस संदर्भ में इसकी विशेषता यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है है ना तो ये सारी बातें आपको यहां पर समझने की जरूरत है कि किस तरीके से यह जो स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का विकास किया गया है और किस तरीके से इस कैरियर के जरिए भारत जो है अपनी समुद्री क्षमता को और आगे आने वाले समय में बेहतर कर सकता है यहां पर ध्यान रखिएगा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की भूमिका निरंतर बढ़ती जा रही है और ऐसे में चीन का माकूल जवाब देने के लिए भारत के पास भी बेहतर समुद्री क्षमता का होना जरूरी है है ना क्योंकि चीन के पास भी ऐसे कई एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जिसका इस्तेमाल वो युद्ध की स्थिति में कर सकता है तो इस संदर्भ में भारत के द्वारा जो यह विकास किया गया है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और रणनीतिक दृष्टिकोण से भी इसका महत्व निश्चित तौर पर बड़ा है है ना तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं आज की चर्चा में हमने इस एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में जो भी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उसके बारे में जाना और समझा का क्या महत्व है भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण से इसके बारे में भी जाना और समझा और किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है इसके बारे में भी हमने समझने की कोशिश की है तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए स्वस्थ रहिए सुरक्षित रहिए ऑल द बेस्ट